अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी मॉडल टाउन का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जेर तामीर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में शहीद कांस्टेबल मोहसिन अब्बास को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद। सेफ सिटीज की ऑपरेशन कमांड स्टाफ और मुख्तलिफ फोर्सेज के नुमाइंदगान ने तकरीब में शिरकत की। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 73,501 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 6,599 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया। 54,788 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,147 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 610 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान एक रोजा दौरे पर रहीम यार खान पहुंच गए। मोहम्मद कामरान खान दौरे के पहले मरहले में कच्चा माचका और भोंग भी गए। आरपीओ राय बाबर सईद और डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने कामरान खान को कच्चा के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उकाड़ा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामजन। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में ये कैमरे पुलिस मोटरसाइकिल स्क्वाड मोबाइल गाड़ियों और एसएचओस को दिए गए हैं। एसपी सदर सिदरा खान की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गुज़श्ता दिन अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब। शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला ओबाश गिरफ्तार। लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 11 साल बच्चे के अगवा का मामला हल। जिला शेखपुरा से तलाश करके वर्सा के सपुर्द कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी मॉडल टाउन का दौरा किया। एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अहमद जुनैर चीमा और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जेरे तकमील कामों को आला स्टैंडर्ड के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी मॉडल टाउन में शहरियों को पॉलिसिंग सर्विसेज बेहतरीन माहौल में फराहम की जाएंगी। सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी में खवातीन शहरियों को पॉलिसिंग खिदमात की फराहमी के लिए खसूसी डेस्क बनाया जाएगा। सूबे के तमाम इजला में पुलिस स्टेशन और दफातर में इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाजों के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। शहरियों को बेहतरीन माहौल में खिदमात की फराहमी के लिए मजीद इकदाम जारी रहेंगे। राह हक में सरगोधा पुलिस का एक और जवान शहीद। कांस्टेबल मोहसिन अब्बास ने डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया। थाना मियानी पुलिस के मुहाफिज स्क्वाड का दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों से सामना हुआ, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश किया, जबकि मरकजी शूटर भी जहन्नम वासिल एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी और छापे जारी हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कांस्टेबल मोहसिन अब्बास को दौरान ड्यूटी जामे शहादत नोश करने पर खराज अकीदत। आईजी पंजाब का कहना है कि कांस्टेबल मोहसिन फर्ज की राह में जान कुर्बान करके हमेशा के लिए अमर हो गया। शहीद कांस्टेबल नवाज जैसे बहादुर जवान मुल्को कौम के माथे का झूमर हैं। इनके खानदान की फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में शहीद कांस्टेबल मोहसिन अब्बास को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। सेफ सिटीज की ऑपरेशन कमांड स्टाफ और मुख्तलिफ फोर्सेज के नुमाइंदगान ने तकरीब में शिरकत की। सेफ सिटी स्टाफ और अमले ने शहीद कांस्टेबल मोहसिन अब्बास के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन अब्बास ने डाकुओं का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया और फर्ज की राह में जान का नजराना पेश किया। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 163, पंजाब यूनिवर्सिटी 139 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 150 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की तलाब 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। पॉलिसिंग में शफाफियत और खुद एहतसाबी की जानिब एक बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इन कैमरों के गराज़ो मकासिद सुनिए डीपीओ काड़ा मंसूर अमान की जुबानी इस खसूसी वीडियो में। मेरे साथ इस वक्त उकाड़ा पुलिस के एसएचओ बी डिवीजन, ट्रैफिक पुलिस के जवान और दो जवान खड़े हुए हैं और अगर आप गौर करें तो उन्होंने अपने कंधों पर कैमरे लगाए हुए हैं।
ये बॉडी वोन कैमरा है और हम ओकाड़ा पुलिस में बॉडी वोन कैमराज का इजरा कर रहे हैं। शहरी ये शिकायत करते हैं कि पुलिस का बिहेवियर ठीक नहीं था। हमने अपने बिहेवियर पे चेक करने के लिए, अपने बिहेवियर पे नजर रखने के लिए अपनी मोटरसाइकिल राइडर्स को, अपनी मोबाइलों को और SHO साहबान को कैमरे लेके दिए हैं ताकि हम इनके बिहेवियर पर नजर रख सकें। ये कैमरे ना सिर्फ इनके बिहेवियर पर बल्कि जिनसे ये डील कर रहे हैं उनके रवैयों पर भी फर्क डालेंगे। अभी इसका आगाज है, इसका पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको पूरे ओकाड़ा में अनकरीब इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान का एक रोजा दौरा रहीम यार खान। मोहम्मद कामरान खान दौरे के पहले मरहले में कच्चा माचका और भूंग गए। RPO राय बाबर सईद और DPO रिजवान उमर गोंदल ने कामरान खान को कच्चा के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। पुलिस की कच्चा में कामयाबियों और जारी कार्रवाइयों पर एडिशनल IG कामरान खान का इजहार इत्मीनान और कच्चा के क्रिमिनल्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयों को जारी रखने की हिदायत। पुलिस अफसरान और जवानों के बुलंद मोराल पर एडिशनल IG कामरान खान की शाबाश। एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान ने कच्चा में जीर तमीर पुलिस पोस्टों का भी जायजा लिया और कच्चा पुलिस पोस्टों पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और जवानों के हमरा चाय भी पी। एडिशनल IG कामरान खान ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी भी पेश की। SP सदर सिदरा खान ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता दिन अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब और अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया। मुलजिम बच्ची को जबरदस्ती रिक्शा में बिठा के फरार हो गया था। मुलजिम ने 6 साल बच्ची को फरोख्त करने के लिए चोहर टाउन से अगवा किया। बच्ची को बाजियाब करवा के वालदैन के हवाले कर दिया गया। शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला ओबाश गिरफ्तार कर लिया गया। DPO शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत का फौरी नोटिस। थाना फिरोजवाला की आबादी हकीमाबाद में 8 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती पर एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल और थाना फिरोजवाला ने फौरी कार्रवाई करते हुए ज्यादती करने वाले मुलजिम अदनान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।